तेरे ये बर्तन नहीं हुए अभी तक, कब से लगी पड़ी है इनमें? खाना बन गया? हाँ जी मम्मी जी, बन गया। लगा दो खाना। ना, मैं तेरे सलांडी गया ना, चाय समोसे खाया ही हूँ, बाद में खाऊंगी। और देख, आज है ना, तू पोछा लगा देना। अगर तुझे फिर कमर दर्द का बहाना बनाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन तो बना दिया था बहाना, सारा घर सड़ा के रख दिया है। आज तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। मम्मी जी वो देख, कमर दर्द के अलावा कुछ भी बोल। कुछ नहीं। बताओ कितनी बुरी सास है अपने बहू को, तो है ना ऐसे रखती है जैसे। बहुत देर हो गई, अब तो भूख सी लग रही है। बहू, ओ बहू, ला लगा दे मेरा खाना। आई मम्मी जी। अच्छा हुआ रेनू तू आ गई, तू तो अपनी माँ को भूल ही गई। अच्छी गई तू तो दूसरे शहर। बताओ पूरे 8 महीने बाद आई है। क्या करूँ मम्मी, इनका ट्रांसफर इतने दूर हो गया है। पर अब आप चिंता मत करो, अब मैं ना पूरे 2 महीने तक रुकूंगी यहाँ। ऑफिस के काम से ना इन्हें बाहर विदेश भेज दिया है 3 महीने के लिए। अब मैं यहाँ 2 महीने आराम से रहूंगी। चलो अच्छा है। बहू, ओ बहू, फिर पड़ गई होगी बिस्तर में, इसको तो कमर ही टूटी रहती है। कैसे हो दीदी? भाभी मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तो आप ठीक नहीं लग रहे। बस दीदी वो जा, तू चाय नाश्ते की तैयारी कर। ठीक है मम्मी जी। अरे तू परेशान मत हो, इस टाइम है ना सब ऐसे ही हो जाते हैं। क्या हुआ भाभी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं दीदी ठीक हूँ, बस कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप हटो, लाओ मैं कर देती हूँ बर्तन। नहीं दीदी मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, क्या दर्द में तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है आपकी। आप हटो, अब ये घर का काम है ना मैं करूंगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस जाके आराम करो, समझे? चलो ठीक है दीदी। बहू, ओ बहू, काम मर गई? क्या काम है, लाओ मैं कर देती हूँ। तू बैठी रह आराम से। बहू सुनना रही? हाँ जी मम्मी जी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं बस वो कुछ काम भी कर लिया कर कभी। जा चाय बना दे हम दोनों के लिए। ठीक है। क्या मम्मी आप भी, जब मैं पूछ रही थी ना आपसे क्या काम है, चाय तो मैं ही बना देती। तू क्यों बनाती, ये है ना, और तू खड़ी खड़ी हमारी बात क्या सुन रही है? जा बना के लेके चाय।
मम्मी ये तो मैंने ठीक नहीं कर रही हो भाभी के साथ। क्या ठीक नहीं कर रही मैं? अरे इनकी हालत तो देख लो, पीला पड़ा हुआ चेहरा, कितनी कमजोर हो गई है। इस टाइम पे ना सभी ऐसे हो जाते हैं, ये टाइम है ना हम पे भी आया है। अपना ये टाइम याद है आपको, पर इस टाइम आपको कितनी तकलीफ हुई होगी वो शायद भूल गई हैं आप। जब आप भाभी की स्थिति में होंगे ना तब आप यही सोचते होंगे कि काश कोई मेरी मदद करने वाला होता, कोई मेरी साथ देने वाला होता। मुझे पता है दादी का कि वो जैसा आपके साथ सलूक करती थी, और आज आप वही दोहरा रही हो भाभी के साथ। एक बात कहूँ मम्मी, औरत शायद हर गम भूल जाती है, पर प्रेगनेंसी का टाइम वो सारी उम्र नहीं भूल पाती। इस टाइम का जो दुख और तकलीफ होता है ना वो मरते दम तक नहीं भूल पाती वो। मम्मी मैं भी आपकी बेटी हूँ, कल को ये टाइम मेरे साथ भी आएगा। अगर मैंने आपसे एक बार भी ये कह दिया ना कि मम्मी मुझे ये तकलीफ है, शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे भैया भी यहाँ नहीं है, वो अकेली रह रही है इस टाइम पर, यही बहुत बड़ी बात है। कम से कम आप तो उनका साथ दे दो, इस घर की नई पीढ़ी को जन्म देने वाली हैं वो। एक बात कहूँ मम्मी आपसे, आप एक अच्छी माँ तो हो पर एक अच्छी सास नहीं। काश आप एक अच्छी सास भी बन पाती।